करवा चौथ के दिन यदि आप इस व्रत की संपूर्ण कथा का पाठ करती हैं तो जीवन में हमेशा सौभाग्य बना रहता है। हिंदू धर्म में करवा चौथ के पर्व का एक विशेष महत्व है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां पूरे दिन निर्जला उपवास करके पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करती है। ऐसा माना जाता है कि जो स्त्री श्रद्धापूर्वक व्रत और उपवास करती है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने के साथ पति की दीर्घायु को वरदान मिलता है। दिन भर निर्जला व्रत करने के बाद रात में चंद्रमा के दर्शन के पश्चात ही जल और अन्न ग्रहण करने का विधान है। करवा चौथ के दिन पूजन के कई नियमों में से एक इसकी कथा का पाठ करना भी है। मान्यता है जो भी स्त्री इस व्रत की कथा का पाठ करती है उसे सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। करवा चौथ व्रत कथा। एक समय की बात है, एक साहूकार के साथ पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री अपने भाइयों की इकलौती बहन थी, इस वजह से उसे सभी भाई बहुत प्रेम करते थे। एक बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को साहूकार की पत्नी समेत उसके सातों बहुओं और पुत्री ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि के समय जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन का आग्रह किया। इस बात पर बहन ने कहा कि भैया, आज करवा चौथ का व्रत उसने भी रखा है और चंद्रमा के दर्शन के पश्चात ही कुछ खा सकती है। चांद के निकलने पर उसे अर्घ्य देकर ही वो अन्न और जल ग्रहण कर सकती है। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे और उन्हें अपनी बहन का भूख से व्याकुल चेहरा बेहद दुख हुआ। अपनी बहन का यह हाल देखकर उन्हें ऐसा विचार आया कि चंद्रमा जल्दी ही निकल आए तो उनकी बहन व्रत का पालन कर सकती है, और इस वजह से साहूकार के बेटे नगर के बाहर गए और वहाँ एक पेड़ पर चढ़कर अग्नि जला दी। घर वापस आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा, देखो बहन, चंद्रमा निकल आया है, अब तुम अर्घ्य देकर भोजन ग्रहण कर सकती हो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से भी कहा चंद्रमा के दर्शन करके व्रत खोलने को कहा, लेकिन उनकी भाभियों ने इस बात से मना कर दिया और बताया कि अभी चांद नहीं निकला है, बल्कि उनके भाइयों ने प्रेमवश और बहन को भूख से व्याकुल देखकर नकली चांद दिखा दिया है। बहन ने भाभियों की बात को अनसुना कर दिया और अपने भाइयों की बात मानकर भाइयों द्वारा दिखाए गए नकली चांद को अर्घ्य देकर अन्न जल ग्रहण कर लिया। इस प्रकार बहन का करवा चौथ का व्रत भंग होने की वजह से भगवान श्री गणेश साहूकार की बेटी पर अप्रसन्न हो गए। गणेश जी की अप्रसन्नता के कारण उस लड़की का पति जल्दी ही बीमार हो गया और घर में बचा हुआ सारा धन उसकी बीमारी में व्यय हो गया। साहूकार की बेटी को जब अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसे बहुत पश्चाताप हुआ। उसने श्री गणेश जी से क्षमा की प्रार्थना की और फिर से विधिपूर्वक चतुर्थी का व्रत शुरू कर दिया। उसने विधि से पूजन करके चंद्रमा को अर्घ्य देकर उपवास पूरा किया और वहां उपस्थित सभी लोगों का आशीर्वाद ग्रहण किया। साहूकार की बेटी की निश्चल भक्ति और श्रद्धा को देखकर भगवान गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए, उसके पति को जीवन दान दिया, साथ ही उसे सभी प्रकार के रोगों से मुक्त कर धन संपत्ति और वैभव से युक्त कर दिया। ऐसी मान्यता है कि करवा चौथ की पूजा तभी पूर्ण मानी जाती है जब पूजा के साथ इस कथा का पाठ किया जाए। जो स्त्री करवा चौथ के दिन पूजन के साथ साथ इस कथा का पाठ करती है और चंद्रमा को आराध्य देती है, करवा माता उनके पति को दीर्घायु देती है और साहूकार की बेटी की तरह उनके पति पर सदैव भगवान गणपति की कृपा बनी रहती है।